हेलो फ्रेंड। आज 8 मई, आज रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मूल उद्देश्य है मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, एकता और सार्वभौमिकता। अतः सार्वभौमिक यूनिवर्सलाइज रूप से सभी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, एकतापूर्ण तरीके से, तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहारों के साथ मानवता की सेवा करना। इसके संस्थापक हैं हेनरी डुनेंट। हेनरी डुनेंट की जयंती को यादगार मनाने के लिए 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई 1828 को जिनेवा में आपका जन्म हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार और विभिन्न देशों के बीच में जो युद्ध होते थे उसमें वो देखते थे कि सैनिक लोग जो घायल हो जाते थे, रणभूमि में पड़े रहते थे, तो उनकी देखभाल कोई नहीं करता था, युद्ध क्षेत्र में कोई जाना नहीं चाहता था। ऐसे में उनको लगता था क्या करा जाए क्या करा जाए, तो उन्होंने एक टीम बनाई। पहले अकेले निकली, फिर उनके साथ में, है ना, कि मैं अकेला निकला था, कारवां जुड़ता चला गया। ऐसे उनके साथ और लोग जुड़ते चले गए और उन्होंने रेड क्रॉस नाम से बनाया था कि रेड क्रॉस है लाल निशान रोकने के लिए, क्रॉस है ने रोकने के लिए। और वो इन सैनिकों को, जो घायल सैनिक रहते थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे। उसके बाद से 8 मई 1828 उनका जन्मदिन है कि 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी ले लिया, यूएनओ ने ले लिया, सब जगह। और आज वर्ल्ड के सभी 158 देशों में रेड क्रॉस की सोसाइटी। ये भोजन की कमी से जूझते, प्राकृतिक आपदा ने, युद्ध, महामारी, बीमारियों से पीड़ितों की रक्षा करते हैं। अभी कोविड-19 में रेड क्रॉस ने बहुत अहम भूमिका निभाई। क्वारंटीन करना, लोगों तक सामग्री पहुंचाना, खाद्य सामग्री लॉकडाउन में पहुंचाना, खाद्य सामग्री के साथ साथ जो बीमार थे उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना, फिर वो वैक्सीन भी कराना, ये सारे काम रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों ने निस्वार्थ भाव से किए। सरकार भी इनको फंडिंग करती है, सरकार इनकी मदद करती है। एक तरीका से एनजीओ है, स्वयं सेवी संस्था है, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क है इसका, कोई नहीं समझ सकता। इसके हर साल की थीम बदलती है। 2018 में इनने थीम दी थी दुनिया भर में मुस्कान। 2018 में दुनिया भर में मुस्कान। 2019 में हैशटैग लव थीम थी। फिर इसके बाद में 2021 में एक साथ हम अनस्टॉपेबल हैं, एक साथ हम अनस्टॉपेबल हैं। 2022 की थीम थी वी ह्यूमन काइंड। और 2023 की है एवरीथिंग वी डू हैशटैग फ्रॉम द हार्ट। हर काम आप दिल से करिए, ये हैशटैग इनके टैगलाइन नहीं है, ये इनकी इस बार की थीम नहीं, वास्तव में ये है। एक बताती है इसको, हमको 2023 तक नहीं रहना है, हर किसी को एवरीथिंग भी हैशटैग फ्रॉम द हार्ट। हम हर काम अपना दिल से करें। दिल से जब आप काम करते हैं, दिल से काम करने वालों के कहीं कोई रुकावट नहीं आती, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। रेड को आपकी ज़रूरत है कि आप अभी उसमें शामिल हो। रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड डोनेट करती है, ब्लड इकट्ठा करती है और सब तक पहुंचाती है। उनका नारा है कि 15 मिनट आपको रक्तदान करने में, रक्तदान केंद्र तक आने जाने और रक्त देने में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन 15 मिनट आपके दिए गए 15 मिनट 3 लोगों की जान बचा लेते हैं। इसलिए यूथ ऑन द मूव के नारे के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी आपको आगे बढ़ने का मौका देती है। और इस बार की जो थीम ही है कि आप जो भी काम करें दिल से करें, तो आइए दिल से हम रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए सलाम करते हैं। मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी आह्वान करती है कि रेड क्रॉस के साथ में हम लोग जुड़ें, रेड क्रॉस के साथ हमेशा साथ रहें। और यूथ ऑन द मूव, यूथ को तो हमेशा मूवमेंट में रहना होगा। 15 मिनट रक्तदान कीजिए, आप 3 लोगों की जान बचा सकते। इनका जो उद्देश्य है मानवता के लिए काम करना, काम भी कैसा, निष्पक्ष रूप से काम करना, तटस्थ रह के काम करना, स्वतंत्र रह के काम करना, एकता के साथ काम करना और सार्वभौमिक रूप से काम करना, ये
मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, एकता, सार्वभौमिकता, हम सभी को रेडक्रॉस के उद्देश्य नहीं, हम सभी मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी और सभी समाज साथियों को इन उद्देश्यों का पालन करना चाहिए, तभी हम हेनरी टूनेट की जयंती को सार्थक कर सकते हैं, उनके जीवन को सफल बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यूथ ऑन द मूव।